नमस्कार, ये एमएसटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। देश की जीडीपी का 10% है और इस दृष्टि से दुनिया का पांचवा बड़ा आर्थिक पैकेज है। पैकेज में 7,89,000 करोड़ रुपए पहले दिए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में 12,21,000 करोड़ रुपए का पैकेज लघु और मध्यम उद्योगों से लेकर हर वर्ग को दिया जाएगा। इस बीच कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग रविवार तक स्थगित कर दी गई है। अब वित्त मंत्री बुधवार से वित्तीय पैकेज का ब्यौरा देंगी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 74,029 हो गई है। इनमें से 2,338 लोगों की मौत हो चुकी है। 23,938 मरीज ठीक हो चुके हैं। देशभर में कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन से परेशान हुए लोगों का पलायन जारी है। राजस्थान में एक 9 माह की गर्भवती 6 दिन में 195 किलोमीटर चली, उसके बाद उससे मदद मिली। महाराष्ट्र में मजदूर 3,000 की साइकिल 6,000 रुपए में खरीदकर 1200 किलोमीटर दूर अपने गांव जाने के लिए चल पड़े हैं। अहमदाबाद में थर्मल स्क्रीनिंग में जिन 25 लोगों को तेज बुखार मिला उन्हें रेल यात्रा से रोका गया। यात्रियों को स्टेशन पर 3 घंटे पहले एंट्री दी गई, उसके बाद सीधे कोच में भेजा गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्वस्थ होने के बाद मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें नई दवा के रिएक्शन और बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 100 से ज्यादा रिसर्च टीमें कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं, जिनमें से 8 वैक्सीन के बेहद करीब पहुंच गई हैं। दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश स्पेन में संक्रमण की दर 35% थी। वहां टेस्ट और वेंटिलेटर की संख्या बढ़कर इसे 1% से कम कर दिया गया है। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में 15 मई के बाद कारोबार खोलने की तैयारी की जा रही है। गवर्नर का कहना है कि 3 इलाके कसौटी पर खड़े उतरे हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते टेस्ट का आंकड़ा 1 करोड़ के पार होगा। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।